Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy is Sanya. Hope you all are good. I am back with a new video और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर हॉल. काफी टाइम से मैंने हॉल शेयर नहीं किया, थॉट कि आपके साथ एक हॉल भी शेयर करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आते ही रहते हैं तो रिकमेंड कर देना चाहिए. सो इस टाइम मैंने मंगाए हैं पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स एंड मामाअर्थ से. सो जो पर्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं आए, अभी पार्शियल डिलीवर हुआ है. कुछ प्रोडक्ट्स अभी रहते हैं, बाकी जब आएंगे तो मैं किसी व्लॉग या फिर किसी अलग हॉल में शेयर कर दूंगी. बाय द वे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, मैं 2 व्लॉग्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे. और जिन्होंने देखे उन्होंने काफी पसंद किया, सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं. मैं आगे भी ट्राई करने वाली हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्लॉग्स. सो अब आ जाते हैं आज की वीडियो पे. सो जो मैंने पर्पल के प्रोडक्ट मंगाए हैं वो कुछ इस तरह के बॉक्स में आए हैं एंड इसमें इस तरह का एयर बैग भी आए हैं सो दैट प्रोडक्ट डैमेज ना हो. एंड हर प्रोडक्ट इस तरह की बबल रैप की पैकेजिंग में आया है जो कि मैंने निकाल लिए हैं. प्रोडक्ट कोई भी खोला नहीं है बट बबल रैप से निकाल लिया. सेकेंड मामाअर्थ के इतने क्यूट से बॉक्स में आए हैं एंड इसमें कोई बबल रैप नहीं था, ये पेपर पैकेजिंग में आए हैं बिकॉज ये एनवायरमेंट फ्रेंडली जो ब्रांड है. सो पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पर्पल के प्रोडक्ट. पर्पल से जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बाय किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम एवर कि मैंने माइसेलर वाटर बाय किया है. मैंने कभी भी माइसेलर वाटर नहीं ट्राई किया है क्योंकि मैं या तो वेट वाइप्स यूज करती थी या फिर ज्यादा हैवी मेकअप होता था तो मैं ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल ये सब यूज करती थी. बट मेरा कब से मन था एक माइसेलर वाटर ट्राई करने का. बॉट दिस गार्नियर माइसेलर क्लिंजिंग वाटर इवन फॉर सेंसिटिव स्किन ऑल्सो. ये मेकअप रिमूव करता है, क्लेंस करता है एंड सूथ भी करता है. फेस आई और लिप्स के लिए है, कोई एडिड फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई अल्कोहल नहीं है. एंड इसका जो MRP है वो है 199 रुपीज एंड कुछ ऑफ पे था जो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी. एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स की. सो हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा है ये. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया है दिस गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड B3 सीरम. मैंने इससे पहले गुड वाइब्स का एक रोज हिप सीरम ट्राई किया है विच इज ऑयल बेस सीरम एंड एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, पपाया समथिंग है, वो वाटर बेस्ड सीरम है, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, वो ट्राई किया है. दिस इज फर्स्ट टाइम एवर मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ. मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसकी पैकेजिंग खोली नहीं है. ओके इस तरह से छोटी सी बॉटल है एंड इसके साथ ड्रॉपर भी आता है. मैं इसे अभी नहीं खोल रही हूँ, किसी मेकअप वीडियो में आई थिंक दिखा दूंगी क्योंकि सील बंद है. सो नेक्स्ट मेरा ये परचेज था, इसका MRP है 240 रुपीज एंड इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की. सो ट्राई करके रिव्यू हम आपको बाद में देंगे, स्किन केयर का रिव्यू कभी भी साथ साथ नहीं दे सकते हैं. नेक्स्ट दिस गुड वाइब्स की नीम एंड तुलसी जेल है ये. एंड गाइस की मुझे फ्री मिली है, गुड वाइब्स पे बहुत अच्छे ऑफर चलते रहते हैं. आई थिंक अभी भी पर्पल पे चल रहा है कोई ऑफर, कितने के परचेज पे आपको 250 का, हाँ 249 रुपीज का कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फ्री मिलेगा. सो ये मैंने जेल ट्राई की. आप जानते ही हैं कि मेरे आजकल ब्रेकआउट्स बहुत हो रहे हैं सो मुझे उसी के रिगार्डिंग किसी प्रोडक्ट की नीड थी. सो मैंने ये नीम एंड तुलसी वाली जेल मंगाई है. फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है. मैंने नीम एंड तुलसी और टोनर भी यूज कर रखा है इनका, इस तरह से ग्रीन कलर की है. फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है, बाकी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी क्योंकि अभी मेकअप कर रखा है नहीं यूज कर सकते. काफी अच्छी क्वांटिटी है, 100 ग्राम्स की क्वांटिटी है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की है एंड प्राइस है इसका 235 रुपीज. सो पर्पल के मुझे अभी तक यही प्रोडक्ट ही रिसीव हुए हैं, बाकी ऑन द वे चल रहे हैं, जब आ जाएंगे मैं आपको दिखा दूंगी. अब पारी आती है हमारे मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स की. या सो मामाअर्थ से फर्स्ट मैंने बाय किया है शीट मास्क. दिस इज बैम्बू शीट मास्क नाइसिनामाइड विद नाइसिनामाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट. सो ये फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन, मुझे चाहिए मेरी स्किन क्लियर. और शीट मास्क मुझे काफ़ी पसंद भी आते हैं सो मुझे मन करता है कि मैं हर ब्रांड का ही शीट मास्क ट्राई करूं. सो ये है 149 MRP का. जो मामाअर्थ पे होते हैं ना कोई ऑफर नहीं होता है मोस्टली टाइम, हम 20 का कूपन लगा सकते हैं सो दैट आपको 20% ऑफ मिलता है. सो मैंने वही कूपन लगाया था. सो
ओवरऑल में मुझे 20% ऑफ मिला था, वैसे प्रोडक्ट्स पे कोई ऑफ नहीं था। सो फर्स्ट मैंने ये शीट मास्क मंगाया है, इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट है, देखते हैं कितना क्लियर करता है स्किन को। मैं एक शीट मास्क को 2 से 3 बार ट्राई कर लेती हूँ क्योंकि काफी सारा सीरम होता है इनके अंदर, एक बार में सारा अप्लाई नहीं हो पाता, अंदर सीरम बच जाता है। सो मैं दोबारा ये मास्क अंदर डाल देती हूँ एंड 2 से 3 बार मेरा यूज हो जाता है। सो दिस इज गुड, बाकी ट्राई करके बताऊंगी कि कैसा है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है टोनर, फर्स्ट एवर टाइम आई थिंक मैंने मामा अर्थ का टोनर ट्राई कर रही हूँ मैं, नाइएसिन फेस टोनर। सेम ही इसमें सॉल्यूशन है नाइएसिनमाइड एंड इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट था, इसमें विद विच हेजल है। सो ये भी एक्ने को रिमूव करने के लिए है एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए, मुझे भी काफी ओपन पोर की प्रॉब्लम है सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मंगाया है। एंड इसकी क्वांटिटी है 200 ml, शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की है एंड MRP है इसका 399, काफी ज्यादा क्वांटिटी है। सो 399 इज अ गुड प्राइस, रिड्यूस एक्ने, टाइटन ओपन पोर्स एंड रिपेयर डैमेज स्किन, सो इसके लिए स्पेशल है ये। बाकी मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा है। अभी ये बंद है, इसमें हॉल करना पड़ेगा, स्प्रे के साथ नहीं आता है ये, गुड वाइब्स के टोनर स्प्रे के साथ आते हैं तो मुझे गुड वाइब्स के टोनर अच्छे लगते हैं, बट देखते हैं और ब्रांड्स भी ट्राई तो करने चाहिए। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया है मामा अर्थ का काजल, चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल। सो आई थिंक ये इनका न्यूली लॉन्च है, टॉक्सिन फ्री लॉन्ग स्टे, ओके। एंड इसका MRP है 299 rupees। सो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, इन्होंने पैकेजिंग पे ना बहुत ज्यादा खर्चा कर रखा है, लुक एट दिस, गिर गया था, बस टूटा ना हो ये। सो या ये कुछ इस तरह के है, आउटर पैकेजिंग काफी ज्यादा थी, मतलब एक काजल के लिए गुड, ओके। सो ये 299 rupees का है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड विद विटामिन सी है, ये लॉन्ग स्टे है, बाकी ट्राई करके बताएंगे कितना लॉन्ग स्टे है। ओके क्वांटिटी काफी है, टेस्ट कर ले। ओह दिस इज स्मूथेस्ट स्मूथ काजल, लेट्स ट्राई, जल्दी ही ट्राई करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि ये कैसा है। पैकेजिंग व्हाइट कलर की ना काफी अच्छी सी लग रही है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है दिस, ये भी इनका न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मामा अर्थ चेरी टिंटेड 100% नेचुरल लिप बाम। या दिस इज लिप बाम, टिंटेड लिप बाम है फॉर 12 hour मॉइस्चराइज्ड लिप्स। या इसकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी, मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इसका MRP बता दूँ, ये 299 rupees इसका MRP है, 2 years इसकी शेल्फ लाइफ है एंड मैन एंड वुमेन दोनों ही इसे यूज कर सकते हैं एज अबव 15 years। दिस इज अ टिंटेड लिप बाम सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, नाइस। वही मैं कह रही हूँ ना, पैकेजिंग पे इन्होंने काफी खर्चा कर रखा है, कुछ इस तरह से है ये लिप बाम, ओके। मैंने इसमें चेरी फ्लेवर मंगाया है, 3-4 फ्लेवर आते हैं इसमें, या दिस इज टिंटेड। अभी लिपस्टिक लगा रखी है तो समझ नहीं आएगा लगाने से, बट अच्छा खासा टिंट है इसमें। मुझे टिंटेड लिप बाम ही चाहिए थे विंटर्स के लिए क्योंकि कॉलेज में मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, लिप बाम ही लगाती हूँ, सो टिंटेड लिप बाम अच्छे रह जाते हैं। सो इसकी ना मैट है पैकेजिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है। जो काजल की है वो ग्लोसी में है, ये मैट में है, अच्छा लग रहा है, लविंग दिस। एंड इसकी मुझे ये वाली पैकेजिंग भी अच्छी लगी, डन। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, होप आपको हॉल पसंद आया हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा आप खरीदना चाहते हैं या कौन सा आपके पास ऑलरेडी है और आप यूज कर रहे हैं, जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं मंगा के यूज करूँ, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं डेफिनेटली मंगा के उसे यूज करके उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। इन प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी यूज करने के बाद।
एंड या गाइज, एक गिव अवे मैं अनाउंस कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। दूसरा भी गिव अवे मैं जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। 700 को क्रॉस कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, जैसे ही 1000 को क्रॉस करेंगे मैं सेकंड गिव अवे अनाउंस करूंगी एंड लेके आऊंगी आपके लिए ढेर सारे प्राइजेस। सो सपोर्ट बनाए रखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे एक ब्रांड न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।